मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के संगठन कौशल से आज भाजपा पूर्वोत्तर में जीरो से टॉप पर पहुंच गई है। वहीं वामपंथी किले को ढहाकर पार्टी ने साबित कर दिया है कि अब देश में भाजपा का कोई विकल्प नहीं है। साथ ही वसुंधरा राजे ने राजस्थान के अगले चुनाव में फिर से जीत का दावा किया है। सीएम राजे रविवार को भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित कर रही थी। पूर्वोत्तर राज्यों में एनडीए के शानदार प्रदर्शन पर उन्होंने कहा कि विकास आधारित राजनीति के दम पर ही भाजपा को यह ऐतिहासिक सफलता मिली है। सीएम राजे ने कहा कि आजादी के बाद नरेंद्र मोदी देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं। उनके नेतृत्व में केंद्र सरकार ने वे उपलब्धियां अर्जित की हैं जो आजादी के बाद से अब तक नहीं हो पाई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि त्रिपुरा में बड़ी संख्या में प्रवासी राजस्थानी हैं, जिन्होंने भाजपा को भरपूर समर्थन दिया है। सीएम राजे के अनुसार पूर्वोत्तर में मिली शानदार सफलता से पूरे देश में भाजपा के पक्ष में माहौल बना है। कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार हुआ है और उसका परिणाम राजस्थान सहित अन्य राज्यों में होने वाले चुनावों में भी देखने को मिलेगा। उन्होंने दावा किया कि हम जनता के प्यार और आशीर्वाद से राजस्थान में फिर से भाजपा की सरकार बनाएंगे। सबके मन के अंदर समाई हुई पार्टी है, सब लोग इस पार्टी को ध्यान में रखते हैं। ऐसा नहीं है कि खाली कांग्रेस ही कांग्रेस ध्यान में रहता है, तो कांग्रेस बिल्कुल नहीं जानते थे। और मुझे तो विश्वास है कि आने वाले समय के अंदर अपने भी चुनाव आने वाले हैं कुछ दिनों के अंदर, तो मुझे विश्वास है कि जिस तरीके से ये चीज एक के बाद एक आपको पूरे देश के अंदर देखने को मिला है, उसी तरीके से राजस्थान के अंदर भी राजस्थान के कार्यकर्ता, राजस्थान के सब लोग, मिलकर जनता मिलकर इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास करेगी और आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी का भगवान जिस तरीके से पहले ठहराया गया था, मेरा था यहाँ, उसी तरीके से ठहरेगा इस 2018 के अंदर। जहां एक और पत्रकार वार्ता में वसुंधरा ने प्रधानमंत्री मोदी की कई बार तारीफ की, वहीं झुंझुनू में 8 मार्च को होने वाली मोदी की सभा को वे शक्ति प्रदर्शन के अवसर के रूप में ले रही हैं। उपचुनाव में हार के बाद दिल्ली में वसुंधरा राजे का कद घटा है और इसलिए इस सभा में करीब 5 लाख लोग जुटाकर वे अपनी पकड़ दर्शाना चाहती हैं। पीएम मोदी की सभा के लिए भाजपा नेता, पदाधिकारी और मंत्रियों ने कमर कस ली है। मोदी की सभा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 8 मार्च को होगी। इसके लिए मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने खुद कमान संभाल रखी है। उन्होंने पिछले दिनों मंत्री यूनुस खान, मुख्य सचिव और अन्य अफसरों के साथ सभा की तैयारियों का जायजा लिया था। साथ ही भीड़ जुटाने के लिए नेताओं को टारगेट भी दिए गए हैं। कुल मिलाकर वसुंधरा राजे भाजपा के पक्ष में फिर से माहौल बनाने की कोशिशों में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती।